और गाइस देखिए, जवान तो पी रहे हैं लेकिन बूढ़े भी नहीं छोड़े भंगोटा को। तो आज गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी लोग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, हो गई है नई सुबह की शुरुआत बहुत बढ़िया और बिंदास तरीके से। और गाइस, आज है शिवरात्रि, तो आप सभी लोगों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे और मेरे परिवार की तरफ से। तो गाइस, फटाफट से चलते हैं, पूजा पड़ा करते हैं। फिर मम्मी जी आई हुई है, भगवान वगैरह को नहला रही है, देखते हैं क्या हो रहा है, क्या अपडेट चल रहा है। हैप्पी महाशिवरात्रि। थैंक यू। हो गए, भगवान जी नहला दिए, उनको ले जाएंगे फिर पहले मंदिर साफ करना। ठीक है, चलो चाचू मंदिर साफ करेंगे। आओ चले गए, जब तुम मम्मी जी आती हैं थोड़ा मैं मंदिर की साफ सफाई कर लेता हूँ, उसके बाद पूजा पाठ शुरू करते हैं। पूजा पाठ समाप्त और अभी चलते हैं फिलहाल नाश्ता वास्ता क्या करते हैं। आज फास्ट है मेरा, शिवरात्रि की वजह से मैंने व्रत लिया हुआ है, तो मेरा है, मम्मी जी का है, भाभी जी का है नहीं है पता नहीं मुझे, मेरा मम्मी जी का तो है फाइनली। तो और बाहर मौसम की बात करें भाई, तो मस्त धूप आई है बढ़िया वाली एकदम। और हमारी हनी भी आ गई पीठे वीठे लगा के, और चाचू भी देखो पीठे लगाने के बाद क्या नाच रहा है। चलिए चलिए, बंद कर रहा हूँ मैं, चलो चलो शाबाश। भोले भोले बम बम बोले, बम बम बोले, क्या बोले, भोले बोला, बोले नहीं, बम बम बोले बोले। और जी व्रत वालों के क्या है फिर आज, क्या लिखा था मैंने? अच्छा, मैंने कुछ भी नहीं है। ठीक है, जा रहा फिर मैं, बाय बाय बाय, जाते हैं फिर, प्रणाम, तो सारा आशीर्वाद ले लेना। ठीक है, ठीक हो गया, बाय बाय। मौसम की बात तो आप लोगों से कर ही चुका हूँ कि मस्त वाली धूप निकली एकदम बढ़िया वाली। और गाइज फिलहाल मेरा भी प्लान ये है कि मैं तो फिलहाल निकल रहा हूँ पहले कालीचौड़ मंदिर, जो है आपका काठ गोदाम को जाते वक्त रास्ते पड़ता है, गोलापार काठ गोदाम के आसपास। और गाइज वहाँ जाने का क्या रीजन है तो वहाँ पहुँच के बताते हैं आपको। इस माइक आने से ये फायदा तो होता है मेरा कि मैं आपसे दोनों तरफ से बात कर सकता हूँ, ऐसी भी बात कर सकता हूँ और ऐसी भी बात कर सकता हूँ, और आपको दोनों तरफ से मेरी जो आवाज़ है बिल्कुल साफ सुनाई देगी अब। सो गाइस, जैसे कि मैंने बताया कि मैं निकल रहा हूँ कालीचौड़ मंदिर, और वहाँ जाने का क्या पर्पज़ है, क्या रीज़न है, सो ये वहीं पहुँच के मालूम पड़ेगा आपको। बने रही मेरे साथ में गाइस, आज के व्लॉग को बहुत मज़ा आने वाला है मुझे भी और आप लोगों को भी। सो गाइस, मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर इतना गंदा वाला जाम लगा हुआ है, बाय गॉड, मतलब आज मेरे को लगता है जितने भी लोग हैं सब लोग जा रहे हैं, सब कालीचौड़ को ही जा रहे हैं। चलिए, मौका मिला साइड से निकलने का तो निकलते हैं। लोगों ने फालतू में अपनी गाड़ी लगा रखी है, देखो सामने वाइट वाली गाड़ी है, कोई है ही नहीं बंदा उसके अंदर। सो गाइस, मैं तो साइड वाइड से निकल के आ गया हूँ, लेकिन यहाँ देख रहा हूँ यहाँ पुलिस वाले खड़े हैं, यहाँ पर जाम लगा रखा बड़ा लंबा थोड़ा सा, तो पूरा रास्ता ही बंद कर रखा है। इस फाइनली खुल गया जाम, चलो चलो चलो। सो गाइस, ये मेन पुल है जो हल्द्वानी को गोलापार से लिंक करता है, और इसी पुल में देखिए गाइस कितना जाम लगा हुआ है, बहुत गंदा वाला जाम। फिलहाल गाइस मैं तो साइड से निकल के आ गया चुपचाप, अभी पीछे बहुत लंबा जाम दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ से। सो चलिए गाइस, फाइनली आप भीड़ को देख के समझ गए होंगे कि मैं जो है कालीचौड़ मंदिर ऑलमोस्ट पहुँचने वाला हूँ, लगभग आ ही गया। और यहाँ आप देख रहे हैं जगह जगह छोटे छोटे स्टॉल लगे हुए हैं मस्त मस्त वाले। तो चलिए गाइस, ये आया कालीचौड़ मंदिर का मेन गेट, सो चलते हैं इसमें। तो यहाँ से रास्ता बताया लेफ्ट से ऊपर को, भुवनदा का घर इधर ही पे कहीं पे है, पता करते हैं अब यहाँ पर कहाँ है भुवनदा का घर, पूछते हैं किसी और से भी, इनसे पूछते हैं। ये भुवनदा का घर कौन सा है? भुवनदा। सो ये बता रहे कि ये वाला घर है भुवनदा का। सो हाँ, बाइक तो भारी खड़ी है भैया की, बाइक समझ में आ गई मेरे, तो अपनी स्कूटी जो है इन्हीं के वहाँ पार्क करते हैं भुवनदा के वहीं। सो चलिए गाइस, फाइनली पहुँच गए मैं यहाँ पे,
और भुवनदा के वहाँ मैंने अपनी स्कूटी पार कर दी है। फिलहाल मैं यहाँ से निकलता हूँ। और गाइज यहाँ पर आने का मकसद क्या है ये भुवनदा के पास पहुँच के बताता हूँ आपको। और गाइज आप भीड़ देख रहे हैं भाई, गौड़ कितने लोग स्कूटी में आ रहे हैं, कितने लोग कार लेकर के भी आ रहे हैं, पैदल पैदल भी आ रहे हैं, नंगे पाँव भी आ रहे हैं। मतलब भोले बाबा आजकल ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। बहुत लंबी भीड़ है यहाँ से वहाँ तक, पूरी भीड़ ही भीड़। चलिए गाइस फाइनली पहुंच गए हम लोग यहाँ पे। ठीक ठाक भीड़ जा रही है यहाँ पर अभी, अभी तो भीड़ जा रही है, जब आएगी फिर पता नहीं क्या होगा। मस्त रश हो रहा है यहाँ पे। भोले का प्रसाद, भोले का प्रसाद, भोले का प्रसाद लीजिए, मस्त एकदम। तो गाइस यही पर्पस था यहाँ आने का कि थोड़ा भैया के साथ दुकान में बैठना था और बड़ा मजा आ रहा है। आइए भोले का प्रसाद, भोले का प्रसाद, भोले का प्रसाद, आइए आइए आइए। आप लोग मेरे व्लॉग में भी आ रहे हैं और छोटे छोटे बच्चों में जोश का भाव यहाँ पे, और भीड़ आती भी सामने से बहुत बढ़िया वाली, मस्त करके दुकान लगी यहाँ पर। ये कांग्रेस के हैं, ये एबीवी वाले हैं, ये जो कॉलेज में चुनाव होते ना ये लोग जाते हैं। तो अचानक से भीड़ लगी यहाँ पर, कौन आ गया ऐसा तो घेर लिया सब लोगों ने। अच्छा तो न्यूज रिपोर्टर वाले हैं, मैं कहूँ कौन है भाई लोग, ये इतनी भीड़ लगी इनको देखते ही। तो ये हैं जन जागृति न्यूज वाले, तो फिलहाल खड़े यहाँ पर और लोगों का इंटरव्यू ले रहे हैं। हमारे पास भी आ भाई, हमारा भी इंटरव्यू लियो, हम बहुत अच्छा बोलते हैं, आओ तो सही एक बार। अरे बच्चों का इंटरव्यू लेते हुए देखिए, बच्चों को बुला बुला के बोल रहे हैं आइए अपना इंटरव्यू दीजिए, अपना फीडबैक दीजिए। ठीक है सर, डन। और खिलौना भेज दिया मैंने। आइए आइए भोले के नाम का टिकट कटाइए, 10 रुपए में, मात्र 10 रुपए में भोले के नाम का टिकट, 10 रुपए में भोले के नाम का टिकट, रिजर्वेशन कराइए तत्काल में। असली में गाइस बहुत मजा आ रहा है और इतनी भीड़ देख रहा हूँ भाई, गॉड सच में यहाँ पे गजब की भीड़ लगी हुई यहाँ पे। मतलब एक ऐसा सेकंड नहीं हो रहा यहाँ पर कोई लोग आने जाना बंद जाए बिल्कुल। और बहुत मजा आ रहा है भुवनदा के साथ में। फिलहाल जा रहा हूँ पानी पीने के लिए, मैंने बताया था आपको आज मेरा फास्ट है तो प्यास लग गई है पानी की। और देखिए गाइस सब जगह भीड़ भीड़ है भाई गॉड। और यहाँ भांग के पकौड़े मिल रहे हैं, नॉर्मल ब्रेड पकौड़े, समोसे, सब कुछ मिल रहा है यहाँ पे। भाई शुद्ध पेयजल यहाँ पर है, पीते हैं यहाँ से पानी। इसमें पानी पी लिया, मुँह भी धो लिया मैंने, और भाई गॉड धूल बहुत हो रही है ना, तो मैंने कहा मुँह धो लेना एक बार। और मेरे को लग रहा है कि आज पूरा दिन मेरा ऐसे निकलने वाला है बहुत मस्ती में, और एक बार भगवान के दर्शन करने जाऊंगा, उन्हें आपको जल चढ़ाऊंगा मैं भी जा करके। तो देखते हैं टाइम कब मिलता है इस चीज़ के लिए। फिलहाल मस्त माहौल हो रहा है यहाँ पे। और गाइस देखिए जवान तो पी रहे हैं लेकिन बूढ़े भी नहीं छोड़े भंगूटा को, तो आज मजा आ गया भाई गॉड। आंटी जी का कॉन्फिडेंस देख के मजा आ गया आंटी का। सो गाइस मैं फिलहाल लेने के लिए गया था पानी, धूल बहुत बड़ी गाइस, तो हमने सोचा थोड़ा पानी वानी छिड़क दिया जाए। और हमारे भुवनदा को देखो बिल्कुल लगे तन मन धन से निछावर कर दिया अपने आप को अपने बिजनेस में, मजा आ गया इनको देख के। आइए एक बार लेंगे शिव जी, मिलेंगे शिव जी, मिलेंगे गारंटी से भैया, शिव जी गारंटी से। एक बार लीजिए शिव जी को, मिलिए और खिलाने ले लो, खिलाने खिलाने। एक बार लेंगे शिव जी, मिलेंगे गारंटी से, आ जाना भैया। एक बार लेंगे शिव जी, मिलेंगे एक बार लेंगे शिव जी, मिलेंगे। आइए एक बार लीजिए शिव जी से, मिलिए, आइए आइए। ये 60 रुपए, 60 रुपए, ये 60 रुपए, ये 100 रुपए, ये 60 रुपए, हाँ 60 रुपए, 60 रुपए। बच्चों के खिलौने हैं उसमें, देखो इतने सारे खिलौने, 60 रुपए क्या मिल रहा, कितने लोगे? एक ही लेंगे, ला दो 50 के, 2 50 के ना। आइए शिव जी मिलेंगे, शिव जी मिलेंगे, 10 रुपए देंगे शिव जी मिलेंगे। देखो इतने सारे लोगों को मिल रहे हैं शिव जी। आइए 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 भाई साहब, सच में गाइस बहुत मजा आ रहा है, ये चीज मैं पहली बार ही कर रहा हूँ यहाँ पर ऐसे खड़े होकर के स्टॉल लगा करके सेल करना, लेकिन मजा आ गया। इससे क्या ना थोड़ा सा हेजिटेशन दूर होती है, एक एक्सपीरियंस मिलता है, लोगों को फेस करने का मौका मिलता है, इतने सारे लोग फेस कर रहा हूँ मैं, बड़ा मजा आ रहा है। बच्चों की जेसीबी 60 रुपए, ये बच्चों के खिलौने 60 रुपए,
बंदूक लीजिए 100 रुपए। तो गाइस मैं थोड़ा बाहर तक गया था गिलास लेने के लिए, तो यहाँ देख रहा हूँ यहाँ तो भाई बड़ा मस्त भंडारा लग रहा है, और सामने शिव जी जो है डांस कर रहे हैं अपना मस्त वाला, देखिए। चलिए गाइस फाइनली करते हैं यहाँ से वापस ही, पहले चलते हैं भुवन दा के घर पे, वहाँ से उठाते हैं अपनी स्कूटी फिर निकलते हैं। और गाइस देखिए सब लोग यहाँ से वापस आ रहे हैं और धूल कितनी उड़ी बाय गॉड। चलिए गाइस निकाल ली मैंने अपनी स्कूटी, अब चलते हैं यहाँ से घर की तरफ, लेकिन फिलहाल मैं घर तो जाऊँगा नहीं, थोड़ा पहले धोईते हैं यहाँ से वहाँ फिर चलते हैं घर। और गाइस सच बता रहा हूँ मैं इतना गर्म हो रहा ना आज बहुत ज़्यादा। गाइस पहले से ऐसा होता था कि शिवरात्रि की बात कहो तो बारिश पक्का होती थी, लेकिन इस बार पता नहीं क्या ऐसा सिस्टम है, समझ नहीं आ रहा, गर्म इतना हो रहा है। सो चलिए गाइस फाइनली मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, और गाइस मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे सुबह जब मैं आया था तो बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, और अब गाइस आप देखिए कितनी भीड़ यहाँ पर दूर दूर तक, तो पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आए हैं, और मैक्सिमम यहाँ जो लोग आए वो पीलीभीत किच्छा बरेली इस तरफ से जो है ज़्यादातर लोग आए हुए हैं, तो वहीं के लोग मिल रहे ज़्यादातर मुझे यहाँ पर आज। बाय गॉड बहुत भीड़ है सच में गाइस, बहुत ज़्यादा भीड़। चले गए फाइनली मैं मंदिर में आया हूँ शिव जी के दर्शन करने के लिए। चले गए फाइनली शिव जी के भी दर्शन हो गए, अब चलते हैं। तो मैं मॉर्निंग से सोच रहा था कि शिव जी के मंदिर में जाऊँगा जल चढ़ाऊँगा, लेकिन हो नहीं पा रहा था, तो फाइनली अभी मौका मिला तो मैंने कहा चलो अभी चले जाते हैं, क्योंकि पूरा दिन तो बिजी था मैं आज। चले गए तो फाइनली मैं निकल रहा हूँ घर की तरफ, और गाइस एक्चुअली मुझे दोबारा से कैंट जाना पड़ गया था किसी काम की वजह से, तो इसलिए थोड़ा लेट हो गया और मैं बता भी नहीं पाया आपको कि मैं कैंट गया था, कोई बात नहीं इतना तो चलता है। सो गाइस मैं फ़िलहाल निकल रहा हूँ घर की तरफ, और गाइस बहुत टाइम के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि आज मैंने फास्ट लिया है, और मैं आज सिर्फ सुबह एक गिलास दूध का पिया था, और अभी मैं मंदिर गया था ना वाले जो मैंने आपको दिखाया था, तो वहाँ से मैंने बस अभी केला मिला था, केला खाया मैंने, उसके अलावा पूरा दिन आज भूखा हूँ। तो गाइस चलते हैं फटाफट से घर और करते हैं पूजा पाठ, भोलेनाथ की आरती करते हैं, अच्छे खासे भजन कीर्तन करते हैं, देन उसके बाद कुछ खाते हैं, भूख सी लग रही है, तो गाइस चलिए चलते हैं। तो चलिए गाइस फाइनली पहुंच गया हूँ घर, और लगाते हैं स्कूटी को अंदर। शाबाश मेरे कुत्ते को बच्चा। चले गए तो फाइनली करते हैं आज की व्लॉग को एंड, और गाइस घर आने के बाद थोड़ा मम्मी जी के साथ गपशप मारी, वो क्या गपशप मारी मैंने वो आपको मैं व्लॉग के एंड में बताऊंगा। और सच बता रहा हूँ गाइस आज शिवरात्रि थी, पूरा दिन निकल के मालूम ही नहीं पड़ा, और पहली बार ऐसा हुआ कि मैं बता रहा था अभी आपको कि एक गिलास दूध में और केले में टिका मैं आज पूरा दिन, वो भी केला मैंने शाम शाम को खाया, सुबह नहीं खाया था मैंने। और गाइस मैं सच बता रहा हूँ ये जो एक्सपीरियंस आज पूरे दिन का ये मैंने पहली बार फेस किया, और बहुत मज़ा आया भुवन दा के साथ में आज, वहाँ पर मैं शॉप लगाई थी हमने और भांग पिला रहे थे लोगों को मस्त करके, वो तो आपने पूरे मेरे व्लॉग में देख लिया। तो गाइस मैं उम्मीद करूँगा जो मेरा पूरा आज का व्लॉग था आप लोग सभी उसको पसंद करेंगे, तो उसको प्लीज़ लाइक करिएगा शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। मिलते हैं आपसे नए और एक बेहतरीन व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। नमस्ते अम्मी जी, कैसे हैं आप? 10 रुपए में करिए भोले का दर्शन, भोले आज रास्ते लेने के लिए आएंगे बल। भुवनदा बोले थे ऐसा, 10 रुपए में करिए क्या कहते हैं भोले के दर्शन, भोलेनाथ आज रास्ते लेने के लिए आएंगे, मैं बोला था ई रिक्शे में लेने के लिए आएंगे। और वो हंस रहे वहां पर हमारी बातों को सुन के, बड़ा मस्त एकदम बढ़िया।